नमस्कार, मैं अमोल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीकेबी न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद है उन कलाकारों को आप तक पहुँचाना जो हमारे नागपुर शहर में, विदर्भ में पिछले कई सालों तक काम कर रहे हैं। म्यूज़िक हो या फिर नृत्य हो या फिर एक्टिंग हो या फिर और कोई भी कला हो, कला इस क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति की पूरी जर्नी आप तक पहुँचाना, उसका स्ट्रगल, उसका काम, उसका नाम, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। और आज इस प्रोग्राम में जो कलाकार हमारे साथ आया है वो पेशे से गायिका है। उम्र के 7 साल से उसने गाना शुरू किया। उसकी पहली गुरु उसकी माँ थी और इसने गाने की शुरुआत मराठी भाषा से की थी, लेकिन मराठी के अलावा कई सारी और भी भाषाओं में जो है वो गाना गाती है। सबसे खास बात, बहुत ही कम उम्र में जो है उसने प्लेबैक किया माइक इस हिंदी फिल्म के लिए। उसके अलावा कई सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ जो है उसने स्टेज शेयर किया है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कई सारे बड़े नामों का। तो जब हम उससे बात करेंगे तो उस बारे में ज़रूर जानेंगे। तो हमारे साथ है नागपुर की श्रेया खराबे, जिसे मैं कहता हूँ कि हमारे नागपुर की श्रेया घोषाल है। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रेया हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि तुम्हारी शुरुआत जो है वो 7 साल की उम्र से हुई, तो शुरुआत कैसे रही और माँ ही पहली गुरु कैसे बनी तुम्हारी? वैसे तो कहा जाता है कि हम सभी के लिए हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, और म्यूज़िक के लिए भी मैं बोलूँगी कि मेरी मम्मी की वजह से ही आज मैं जो गा रही हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। हमारी एक बचपन की जो उम्र रहती है, जिसमें हम खेल कूद करना, मस्ती करना, ये ज़्यादा हमें पसंद आता है। उस वक्त मुझे भी ऐसे ही बहुत मस्ती करना और ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाना सीखो, पर मेरा दिल नहीं चाहता था तभी। पर ज़बरदस्ती क्लास ज्वाइन करवाया और मैं जाती थी, बैठती थी, बट नेचुरली उस वक्त जो मेरे कान पे पड़ रहा था, एक मैं क्लासिकल सीखने ही जाती थी, तो उससे शायद जो बेस बना मेरे म्यूज़िक के लिए, वो आज मुझे बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। और उसके बाद मैंने 2-3 साल कंटिन्यूशन में सीखी थी मैं, बट आफ्टर दैट 10th था मेरा। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब मुझे कुछ गाना वाना नहीं करना, मुझे पूरा अपना फोकस पढ़ाई पर करना है। तो पापा भी बोले चलो ठीक है, अभी इसकी इच्छा नहीं है, सो हम इसको अभी पढ़ाई पे ही फोकस करने देते हैं। 10th हुआ, 12th हुआ, उसके बाद हम लोग ऐसे ही एक फैमिली टूर पे गए थे। वहाँ पे हमारा एक ऐसे फ्रेंड सर्कल था, वहाँ पे एक म्यूज़िक लवर थे, तो उन्होंने, हम लोग जस्ट अपन अंताक्षरी खेलते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं तो जस्ट फन, तो हम वैसे ही गाना गा रहे थे, तो उन्होंने भी मेरा गाना सुना। तो अंकल ने मेरी मम्मी को बोला, दीदी आप इसको फिर से म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ताकि इसने जो पहले सीखा है वो भी उसको और अभी हेल्पफुल होगा, और पढ़ाई के साथ इसमें भी ये डेवलप कर सकती है खुद को। तो उस वक्त मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारी तारीफ अगर कोई भी करे तो हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने एक छोटे से म्यूज़िक क्लास में ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरी जर्नी जो है प्रोफेशनल सिंगर करके वो वहाँ से शुरू हुई। मम्मी तो तुम्हारी पहली गुरु थी ही, लेकिन मैं कहूँगा जैसे कि तुमने कहा कि प्रोफेशनली तुमने बाद में शुरू किया, तो पहले वो गुरु कौन थे? बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस वर्तरंग एकेडमी में ज्वाइन किया था मैंने, वहाँ पे कुछ महीने ही थी, बट निरंजन बोबड़े है, उन्होंने मुझे फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट चांस दिया। और मैं कहूँगा कि बहुत ही कम समय में तुम ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब मेरा ये प्रोफेशनली सब स्टार्ट हुआ ना, विद इन 1 ईयर मुझे, मतलब टच वुड, बट बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली शुरू हो गई। बिल्कुल, उसी दौरान मैंने एक मूवी के लिए भी प्लेबैक किया, कुछ एल्बम्स में गाने गाए, जिंगल्स रिकॉर्ड किए, उसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाया। श्रेया के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि श्रेया ने कई सारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स के लिए भी जिंगल्स जो है वो गाए। पहला गाना याद है कौन सा गाया था स्टेज पर? यस। तो ज़रूर सुनाओ हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी याद आए और आपको भी याद आए जिन्होंने आपका पहला परफॉर्मेंस देखा हो। बिल्कुल।
बोली रे पपी हरा बोली रे पपी हरा नित मन तरसे नित मन प्यासा नित मन प्यासा नित मन तरसे बोली रे पपी हरा बोली रे पपी हरा बोली रे पपी क्या बात है। वैसे श्रेया को भी अपने पुराने सारे दिन याद आ गए होंगे, वो स्टेज परफॉर्मेंस भी ज़रूर याद आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई है। पहले कोरोना नहीं था, अभी हमारी ज़िंदगी में कोरोना भी है। तो क्या क्या चीज़ें तुमने खुद की अपडेट कर ली है कोरोना के पहले और कोरोना के बाद? बिल्कुल, सबसे पहले बात तो हम लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव नहीं थे। मतलब इंटरनेट का यूज़ सिर्फ कुछ सर्च करने के लिए या फिर यूट्यूब जाने के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए। बट कोरोना आने के बाद हम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि अभी तो लाइव शोज़ बंद हैं। मतलब पब्लिक कॉन्टैक्ट ही नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, गेट टुगेदर नहीं है, सो लाइव प्रोग्राम बंद है। तो जो कुछ भी चल रहा है वो सब ऑनलाइन चल रहा है, तो इसलिए हम घर बैठे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं अभी, या फिर स्टूडियो से हमारे लाइव टेलीकास्ट होते हैं कुछ। तो एज अ सिंगर क्या अपडेट किया आपने इस पीरियड में? मैंने अभी मेरी म्यूज़िक एकेडमी शुरू की है, श्रेयाज म्यूज़िक एकेडमी नाम से, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्पेशली पेंडेमिक सिचुएशन में सभी को, क्योंकि सभी को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सब लोग थे। अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, बट डोंट नो कि कब फिर से कुछ नया आ जाए। तो एक सदमे में है लोग। यस, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए मैंने सोचा कि अपनी तरफ से अगर कुछ म्यूज़िक के लिए मैं कुछ करना चाहूँ, सभी के लिए म्यूज़िक के हिस्से, इसलिए मैंने एक एकेडमी खोली। तो मेरे पास अभी 3.5 साल से 70 साल तक सभी लोग हैं सीखने के लिए, और उनका जोश देख के मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार, इस उम्र में भी, मतलब 70 इयर्स की आंटी भी उतने ही जोश के साथ सीख रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कई सारे बड़े बड़े लोगों के साथ तुमने गाना गाया, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। और सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस, मतलब यादगार एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, अगर वो कोई बात अगर शेयर करना चाहो तो ज़रूर बताओ। बिल्कुल, वैसे तो काफ़ी लोगों के साथ मुझे गाने का मौका मिला, और सभी के साथ अलग अलग मेमोरीज़ है, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, इतने लेजेंड्स हैं वो, क्योंकि उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके साथ गाना, यही बहुत बड़ी बात है। और हम बहुत सी चीज़ें उनको देख देख के सीखते हैं। तो और सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सर्ट है लक्ष्मीकांत पैरेलल जी, उनके साथ हुई थी। तो पैरेलल जी के साथ हमारा एक दिन पहले वर्कशॉप हुआ था, और नेक्स्ट डे उन्हीं के सामने हमारी कॉन्सर्ट हुई थी। तो एक दिन पहले जब वर्कशॉप था, तो उन्होंने उनके ज़माने के सारे किस्से बताए थे कि लता जी जब लाइव रिकॉर्ड करती थी कोई भी गाना, तो वो कैसे करती थी। उस टाइम पे जैसे अभी सिर्फ 6-7 म्यूजिशियंस रहते हैं, बट उस टाइम पे 100-150 म्यूजिशियंस एट अ टाइम प्ले करते थे। शायद मैंने नंबर कम ही बोला है, इससे ज़्यादा ही होता था। और जो कुछ है अभी, कैसे स्टूडियो में हम लोग भी देखते हैं, सिंगर्स आके अपना पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, म्यूजिशियंस आके अपना पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस वक्त ऐसे नहीं था, उस वक्त जो कुछ भी होता था वो सबके साथ एक साथ रिकॉर्डिंग होता था। मतलब एक की भी कुछ भी मिस्टेक हो तो वो कंप्लीट सॉन्ग फिर से रिकॉर्ड होना, ये इम्पॉर्टेंट था। इसकी वजह से वो लोगों में ये जो परफेक्शन हुआ था वो बहुत ही क्रेडिटेबल है। मतलब हम लोग भी सीखना चाहते हैं कि वो कितना डिटेलिंग में सब कुछ करते थे। राइट, मैं ये कहूँगा कि हम लोग बहुत मिस करते हैं जो लोग स्टेज पर काम करते हैं। स्टेज पर काम करना और कैमरे के सामने काम करना और लाइव ऑडियंस के साथ काम करना थोड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तुम भी मिस करती हो? डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है उसमें। जो लाइव का मज़ा है, सामने ऑडियंस रही, कम भी ऑडियंस रही, तो भी एक उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है हमको गाते वक्त,
और जो उनकी दाद मिलती है हर गाने के वक्त, वो हमें और मोटिवेट करती है हमेशा गाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, फेसबुक पे लाइव शोज करते तो बहुत सारे कमेंट आते हैं हम लोगों, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ नहीं होते। कोई ऐसा कमेंट है कि यार ये क्या कमेंट कर दिया, कोई कमेंट है ऐसा ध्यान में? नहीं, फिलहाल तो ऐसे नहीं, मुझे सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स ही मिलते हैं। अच्छा ही कमेंट बता दो। फरमाइश ही आती है कि क्योंकि अभी क्या होता है, लाइव शोज में हम लोग डायरेक्टली फरमाइश ले सकते हैं, राइट राइट, बट ऑनलाइन शोज में थोड़ा सा टाइम का भी लिमिटेशन रहता है। इसकी वजह से हम काफ़ी बार हर सबकी मतलब फरमाइश नहीं पूरी कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए बुरा भी लगता है कई बार कि यार हमारे इतने, हमें इतने चाहने वाले सब ऑडियंस है, बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी जो है जिसके साथ उसके हालात के साथ आप ये कर लो, ताल में मैं कहूँगा हमारे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, उनकी तरह सीखना चाहते हैं। तुम्हारी भी एक लिस्ट होगी या फिर कोई ऐसा होगा जिसकी तरह तुम्हें बनना है उसकी तरह, तो ऐसा कौन है फिर? यस, ऐसे काफ़ी लोग हैं वैसे भी, क्योंकि हर सिंगर का अलग अलग जॉनर है, राइट, और हमको जैसे कुछ क्लासिकल सिंगर्स है, कुछ बॉलीवुड के है, बट एक आइडियल सिंगर करके मैं आशा भोसले जी को फॉलो करती हूँ, और अभी न्यू नए सिंगर्स में श्रेया घोषाल जी को, उनके गाने मैं काफ़ी सुनती हूँ, और मुझे उनके जैसे आशा जी तो वर्सेटाइल सिंगर है, राइट राइट, मतलब वो उन्होंने कैबरे भी उसी अंदाज से गाया, और एक मराठी में नाट्य संगीत जो बोलते हैं ऐसे क्लासिकल, वो भी उसी दमखम से एकदम गाया है उन्होंने, तो मैं उनको ही ज़्यादातर फॉलो करती हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि श्रेया मराठी में भी गाती है और हिंदी में भी गाती है, और मैंने शुरुआत में कहा कई सारी और भाषाओं में भी जो वो गाती है श्रेया। फेवरेट सिंगर तुम्हारी आशा भोसले और श्रेया घोषाल है, तो उन दोनों में से किसी एक का गाना जो तुम्हारा फेवरेट हो और जो तुम कभी भी स्टेज शोज में गाती हो तो बहुत वाह वाही मिलती हो और लोग बहुत पसंद करते हो, ऐसा कोई गाना हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुना। बिल्कुल, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। क्या बात है, तो अब कुछ थोड़ी पर्सनल बातें करते हैं। हम नागपुर में रहती है, विदर्भ में रहती है, तो थोड़ा नागपुर और विदर्भ ये रैपिड फायर होगा, कुछ नागपुर से जुड़े कलाकारों से जुड़े सवाल होंगे, और मैं चाहता हूँ कि श्रेया जो है सच बोले ताकि हमें थोड़ा वायरल कंटेंट मिले, लोग इसका वीडियो सर्च कर कर करके ज़रूर देखें। तो नागपुर में कई सारे गाने वाले कलाकार हैं, तुम्हारा फेवरेट कलाकार कौन सा है, तुमको लगता है यार ये बहुत अच्छा गाता है, मतलब मेल फीमेल दोनों में से कोई भी, दोनों भी बताए तो भी चले। ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, सभी फेवरेट है। नहीं, ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक हो जाएगा। अभी कांट ऐसे कुछ बता नहीं सकते कि ये किसी ऑर्गेनाइजर या सिंगर को नाराज नहीं करना चाहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, हर एक की एक स्पेशलिटी है। अच्छा, तो कोई है ही नहीं क्या फिर, सभी अच्छा, सौ में सबको सौ में से सौ, ये तो बहुत ही डिप्लोमेट। कोई बेसुरा है जिसको गाना नहीं आता और उसके जो बेसुरा का नो कमेंट्स, नागपुर में सारे सुरीले। यस बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाते कम है बातें ज्यादा करते हैं, तो ऐसा कोई है सिंगर जो कम बातें मतलब ज्यादा बातें करता है कम गाता है, ऐसा कोई है कि कोई नहीं है? मेरे ख्याल से तो सब गाने पे ही, मतलब जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है वो सभी एकदम प्रोफेशनल है, और गाना और बात करना ये तो हर सिंगर में आता है, जब मैं भी खुद भी मेरे को ऐसा लगता है तीन सवाल पूछे तीनों में से एक का भी जवाब नहीं। चौथा सवाल पूछता हूँ, कई सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो सिंगिंग के कॉन्सर्ट्स या फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर, उनको खुद गाना नहीं आता लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते, तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजर है तुम्हें पता है जिनको गाना नहीं आता लेकिन गाने के बारे में ज्ञान बहुत देते हैं, ऐसा कोई है? है ऐसे भी, बट नो कम
कमेंट्स प्लीज। इस पर भी ये कुछ बोलना नहीं चाहेगी। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि तुम्हें लगता हो कि इसमें पोटेंशियल बहुत था लेकिन ये उतने ऊपर तक गया नहीं, ऐसा भी कोई है नागपुर में कि कोई नहीं है? है, ऐसे काफ़ी लोग हैं क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि रियलिटी शोज़ में नागपुर यानी विदर्भ को थोड़ा सा कम ये रखते हैं, वेटेज रहता है कि विदर्भ के लोग हैं तो अच्छा ठीक है, मतलब उनको एक स्टूडियो राउंड तक लेके जाते हैं और मुंबई से फिर उनका वापस ही आना है पक्का रहता है, ऐसे एक मेरे देखने में ये चीज़ आई है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, मतलब वायरल कंटेंट के लिए इसने आखिरी वाली लाइन दे दी हमें कि टेलीविजन शोज में जो है सब तरफ देखते हैं अपने को, वीकेबी हाँ, को मतलब, तो मुंबई वाले देख रहे तो सुन लो नागपुर वाले क्या मतलब, कहते हैं कि हर शो में जैसे मुंबई के, कलकत्ता के, पूना के, बैंगलोर के, ये साइड से बहुत लोग मतलब जो मेट्रो सिटीज है उसमें से बहुत से लोग रहते हैं, बट नागपुर या आजू बाजू के भी छोटे छोटे गाँव है उसमें से बहुत कम लोग रहते हैं। ओके, तो और ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट कम है, हर जगह पे टैलेंट बहुत है बट उनको मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, मौका ज़रूर मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसी आशा करते हैं। और बहुत सारे कलाकार हैं हमारे नागपुर के जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और नेशनल टेलीविज़न पे आए भी हैं, अनिरुद्ध हैं और बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक दो बहनें हैं अकोला की आई थिंक, तो बहुत सारे लोग नाम याद नहीं आएंगे इसलिए बताऊंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है, जैसे कि एक कलाकार के लिए कला ही सब कुछ होती है, तुम्हारे लिए गाना ही सब कुछ है, तो ये टफ फेज था तुम्हारे लिए, तुमने कैसे कोप अप किया? क्योंकि हम लोग ऐसा है कि जनरली 30 में से 25 दिन 20 दिन तो शोज ही कर रहे होते हैं, अचानक से शोज बंद हो गए, तो तुमने कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ें? घर में रहना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, सबसे पहले आई थिंक जो फर्स्ट फेज थी कोरोना की, उस वक्त तो इतना स्ट्रिक्ट था कि घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, अभी तो भी हम थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, उस वक्त तो हम लोग घर से ही क्योंकि सब पब्लिक से कनेक्टेड रहना था, हमें भी अच्छा नहीं लगता उनसे जब तक मुलाकात ना हो, उनसे बात ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग घर से ही कुछ फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसे छोटे छोटे लाइव सेशंस करते थे, यस यस, ताकि उनकी फरमाइशें हम घर बैठे भी पूरी कर सकें। और उसी दौरान जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने म्यूज़िक एकेडमी फॉर्म की जिसे अभी एक साल कंप्लीट हो गया, 2 महीने पहले ही, राइट तो उस म्यूज़िक एकेडमी में भी काफ़ी लोगों ने एनरोल किया ताकि उनको भी अभी म्यूज़िक क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला मुझे ऑनलाइन क्लास में कि मैं भी घर बैठे सिखा सकती हूँ और सामने वाले भी घर बैठे सिखा सकते हैं, सॉरी। तो वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो वक्त है वो हमारा सबसे सेव हो रहा है, एनर्जी सेव हो रही है, आने जाने का टाइम है वो भी बच रहा है, और कुछ एजेड लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं, जैसे उनको किसी पे अगर डिपेंडेंट हो वो, तो वो भी इजीली घर में बैठे एक बटन दबाए तो उनका क्लास चालू हो जाता है। ये कुछ अच्छी चीज़ें भी कोरोना ने सिखाई है हमें, समय के साथ कम साधनों के साथ कैसे जीना है। और एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बार जो है जवाब दे श्रेया। सवाल ये है कि कोरोना के बाद ना कई सारे लोग फेसबुक पर शोज करने लगे, कई सारे कलाकार जो आए, बिल्कुल हर कोई अपनी तरफ से अच्छा करने की, अच्छा गाने की कोशिश करता है, और कई सारे लोग बूस्टअप भी करते कि तू अच्छा गा रहा है, गा भले वो बेसुरा गाता हो, तो तुम्हारा टेक क्या है मतलब इस पर? इसमें अच्छे कलाकार भी प्रमोट होते हैं, बुरे भी प्रमोट होते हैं, तुम्हारा क्या टेक? मेरा यही कहना है और इसमें मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहूँगी, जो है जितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं वो सीख के आए हैं, राइट, उन्होंने कुछ तो भी क्लासिकल लाइट म्यूजिक कुछ ना कुछ सीखा है, बट इतने में जो ये ट्रेंड एकदम से बढ़ गया है, मतलब जो हौशी कलाकार बोलेंगे हम उनको, तो मेरी यही इच्छा है उनसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा सीखिए, उसका बेसिक नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर स्टेज पे परफॉर्म कीजिए, क्योंकि कोई भी कला हो, संगीत हो या डांस हो, कुछ भी, आप उसका मजाक नहीं बना सकते ना, राइट और हम जैसे आर्टिस्ट लोग, हमारा तो पूरा ब्रेड एंड बटर वही है, बिल्कुल तो हम हमारा जो कुछ भी है उसी पे डिपेंड है, तो मेरी सबसे वही दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ सीख के उसका प्रॉपर नॉलेज लेके आप वो चीज़ परफॉर्म कीजिए वहाँ पे,
क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सभी आपकी तारीफ करेंगे तो आप अच्छा ही गा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आपके पीछे बुरा बोलने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो टेक इट पॉजिटिवली एट द एंड ऑफ द डे। प्लीज प्लीज, पहली गुरु तो माँ थी, अभी और एक गुरु तुम्हारी जिंदगी में है। हाँ, तो वो कैसे तुम्हारे इंटरफेयर करते कि नहीं करते, कुछ सजेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस के बाद, परफॉर्मेंस के पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या रोल है फिर अभी? बिल्कुल, मैं खुद भी मेरे हर परफॉर्मेंस के बाद मैं हमेशा मेरे गुरु से बात करती हूँ कि गुरु जी अच्छा हुआ क्या। मेरे गुरु जी सूर्यमणि पंडित प्रभाकर धाकड़े जी है। ओके, तो मुझे कभी भी डाउट लगा, अभी तो कोरोना की वजह से मेरा जाना नहीं होता वहाँ पे, तो मैं फ़ोन पे ही उनसे कभी बात कर लेती हूँ, गुरुजी आपने मेरा ये परफॉर्मेंस सुना, आपको कुछ कहाँ कहाँ पे मेरी कमी लगी, प्लीज़ मुझे बताइए करके। तो हमेशा मुझे प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर गाइड ही करते हैं। और एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल, और एक गुरु है इनके, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, बिल्कुल गौरव नाम है उनका, वो क्या टिप्स देते हैं, वो क्या कहते हैं? घर के लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। और लकीली मेरे हस्बैंड खुद आर्टिस्ट है। अच्छा। सो मेरी कुछ भी ऐसे छोटी मोटी गड़बड़ भी हुई तो हमेशा वो बताते हैं कि नहीं श्रेया, तुमने यहाँ पे और अच्छा, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, राइट राइट, या फिर ये नोट बराबर नहीं लगी। तो वो तो है, रहता ही है। मतलब घर में भी सीखने मिलता, बाहर भी सब लोग इसको सिखा ही रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ सीखे हुए मेरे सीनियर्स भी हैं, अगर उन्होंने भी मुझे कुछ बताया तो मैं हमेशा उनकी हर चीज़ को पॉजिटिव ले लेती हूँ कि ऐसे नहीं कि यार इन्होंने मेरी मिस्टेक निकाली, बिल्कुल ये गलत आदमी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने, उनको मुझ में कुछ तो भी पोटेंशियल दिखा है, इसीलिए उन्होंने मेरे बेनिफिट के लिए मुझे ये चीज़ बताई है। इसी अप्रोच से मैं हर एक के सजेशन को वेलकम करती हूँ हमेशा। क्या बात है, और हर किसी ने करना चाहिए। कला जो है कभी किसी दायरे में नहीं रहती, बिल्कुल ऐसा है कि उसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता है। कई बार तो ऐसे भी होता है, हमारे हमसे उम्र में छोटे हैं, अच्छा सजेशन दे जाते हैं, बट कभी कभी उन्होंने हमें अच्छा सजेशन दिया तो वो भी हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे महसूस नहीं करना चाहिए कि यार ये हमसे छोटा है और इसने हमें बताया, नेवर। क्या बात है, सही में। और कोरोना ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी, जिन लोगों ने कभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया होगा, जो कभी कैमरा के सामने नहीं आएंगे, जिन्होंने कभी फेसबुक लाइव नहीं किया, वो अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे भी कमा रहे हैं। आखिरी सवाल नहीं बोलूँगा, आखिरी पड़ाव में जो है शो के हम लोग आ गए हैं, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आगे करना क्या है। अब तो गाना स्टेज पर भी गा लिया, हम लोगों को सिखा भी रहे हैं, हम ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, अगला पड़ाव क्या है, नेक्स्ट पड़ाव क्या है? कोरोना कब जाएगा ये तो भगवान भी नहीं जानता शायद। हाँ वो तो है, अभी तो फिलहाल तो जो जैसे चल रहा है उसके साथ तो हम जी रहे हैं, बट बहुत इच्छा है कि AR रहमान जी के साथ मुझे काम करने की बहुत इच्छा है। तो अगर किस्मत ने भी चाह और सब कुछ जुड़ के आया, ऑब्वियसली मैं तो अपना 100% हमेशा देते रहूँगी, बट हमारे फील्ड में और हर क्षेत्र में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस्मत ने भी साथ देना चाहिए उन लोग तक पहुंचने के लिए स्पेशली। क्या बात है, तो हमारे VKB न्यूज़ परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो सपना आपने देखा वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। टाटा बाय बाय, लाइक करो शेयर करो। बोलने से पहले बोलना चाहूंगा, एक गाना जरूर आप सुना दे ताकि हम लोगों को भी एंड करने में थोड़ा अच्छा लगे। यस बिल्कुल, एक अभी के सिचुएशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट गाना है, तो मैं वो दो लाइन उसके गाना चाहूंगा। बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
श्रेया ने बात तो बिल्कुल सही कही है कि कल क्या हो किसने जाना बिल्कुल, और शायद कल कोई नहीं जानता। और श्रेया से हमने बात की, अगर आपको लगता है कि आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपने अच्छा काम किया है, हम आप तक ज़रूर पहुँचे, तो ज़रूर आप मैसेज बॉक्स में अपना नाम, नंबर और आपने जो काम किया है उसे ज़रूर DM करिए हम लोगों को। और श्रेया का ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो और कुछ गलत हुआ हो, कुछ अच्छा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। श्रेया का खुद का YouTube चैनल भी है, श्रेया इंस्टाग्राम पे भी है, YouTube पे भी है, Facebook पे भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप गाना सीखना चाहें तो वो ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल है, आपको अपना स्लॉट चूज़ करना है, रात में तो पढ़ाएगी नहीं, दिन में ही पढ़ाएगी। और अगर आपको पसंद है तो आपको पता है लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और हम लोगों को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हैं तो GTPL पे चैनल नंबर 470 पे जाइएगा, वहाँ पे भी हम लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद तो श्रेया का। थैंक यू श्रेया, बहुत बिजी होती है, श्रेया का शो भी है, श्रेया को सिखाना भी है, फिर भी श्रेया ने हमको टाइम दिया, उसके लिए श्रेया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार अमोल जी का बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन में भी वो पब्लिक से कनेक्टेड रहने के लिए और हम सब आर्टिस्ट लोगों को एकजुट रखने के लिए इतना अच्छा आप कर रहे हो। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू चैनल। बिल्कुल, तो श्रेया की तरह आप भी हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, डेल्टा का खतरा और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, वैक्सीन नहीं ली हो तो वैक्सीन लीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।